मुझे ये माइक प्रॉपरली रिसीव हुआ होता तो मैं उस चीज़ का वीडियो बनाती, एंड अगर मैं अपने चैनल पे यू नो कुछ अच्छा है वो चीज़ बता रही हूँ, तो आई थिंक सो कि अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मुझे वो भी क्लियरली अपने चैनल पे बताना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यू नो ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट. सो अंदर से उसकी जो पाउच है जिसके अंदर ये आता है वो भी गीला था, एंड पूरा प्रोडक्ट बैटरी एवरीथिंग वॉज वेट. Hey guys, hello and welcome back to my channel. I'm Kanchi, your flossing girl, and I'm back with another video. And आज का video होने वाला था एक Boya mic review video, but unfortunately ये मेरे लिए बन गया एक failed unboxing experience video. So without further talking, let's get started. And if this is something that interests you, then please watch the video till the end. बिकॉज आज का वीडियो आई थिंक सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो दिस इज माई फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर फ्रॉम Amazon, एंड आई थिंक सो दिस इज ऑल्सो गॉन अ बी माई लास्ट ऑर्डर फ्रॉम Amazon, स्पेशली वेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स. ये प्रोडक्ट मैंने सेकेंड टाइम मंगाया है, ये रिप्लेसमेंट था. ऑलरेडी फर्स्ट टाइम मैंने एक प्रोडक्ट मंगा लिया था जो कि मुझे उस दिन डिलीवर हुआ था जिस दिन साइक्लोन आया था मुंबई में. सो वो प्रोडक्ट पूरी तरह से यू नो गीला था, उसका बॉक्स गीला था, अंदर से माइक गीला था. एंड लकीली क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था इसलिए मैंने प्रोडक्ट को खोलना भी ऑन कैमरा ही खोलना ठीक समझा, इसलिए मैंने उसका मेरे पास क्लिप भी है, आई वुड जस्ट यू नो इंसर्ट या समवेयर. सो आप देख सकते हो कि उसका बॉक्स भी गीला है, अंदर से उसकी जो पाउच है जिसके अंदर ये आता है वो भी गीला था, एंड पूरा प्रोडक्ट बैटरी एवरीथिंग वॉज वेट. बट उस दिन आई जस्ट गेव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है साइक्लोन है, इसमें तो इंसान पूरा गीला हो जाता है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट गीला हो गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम. मैंने फिर भी उसे चलाना चाहा, मैंने उसको यूज करके देखा एंड इट वॉज नॉट वर्किंग. आई गेव इट 3 tries एंड मेरे पास वो वीडियो भी है जहाँ मैं उसे यू नो यूज करने के लिए ट्राई कर रही हूँ. आवाज जो है वो कैमरे में आ ही नहीं रहा था, सो क्लियरली वो माइक वर्क नहीं कर रहा था एंड आई हैड टू रिटर्न इट. बट द फर्स्ट एक्सपीरियंस इज लाइक क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि ठीक है साइक्लोन था एंड बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, बट मुझे फिर भी एक चीज बहुत बुरी लगी कि वो प्रोडक्ट इतना बॉक्स से भी पूरा गीला हो चुका था, इतना ज्यादा गीला वो हो चुका था कि आई वुड हैव फेल्ट गुड इफ Amazon अपने साइड से उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता एंड मुझे दूसरा ऑर्डर दे देता, क्योंकि यू नो देयर इज नो पॉइंट. अगर प्रोडक्ट पूरी तरह से गीला है, वैसे भी मैं उसे रिटर्न ही करने वाली थी, तो इट्स जस्ट यू नो इट जस्ट एडेड टू माई बैड एक्सपीरियंस ऑफ डिलीवरी एंड ऑल. तो ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, आई गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि साइक्लोन है तो ऐसी चीजें हो जाती है. एंड उसके रिप्लेसमेंट में मुझे मिला ये सेकेंड प्रोडक्ट, इसका मैंने प्रॉपर अनबॉक्सिंग किया है. सो लेट्स बिगेन विद दैट. ये है Boya का BY-M1 माइक. बात करें इसकी पैकेजिंग की तो A1 पैकेजिंग है गाइस. बॉक्स जो है बहुत ही ज़्यादा स्टिफ है. ज़्यादातर चीज़ें जो माइक पे लिखी है, बॉक्स पे लिखी है, वो किसी अलग लैंग्वेज में है तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है. पर इसके मेन फीचर इसका यही है कि यू नो इतने लो बजट में आपको इतना अच्छा साउंड क्वालिटी वाला माइक मिलता है. इस तरह से इसका ये लेदर पाउच है जिसमें ये रिसीव हुआ होता है आपको, एंड ये लेदर पाउच इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि अगर आप इसे ट्रैवल करना चाहो तो इसे आराम से बस इसमें डालकर ट्रैवल कर सकते हो. सो ट्रैवल फ्रेंडली भी है, एंड इसका जो केबल है वो 20 feet ऑडियो केबल है, विच मेक्स इट द बेस्ट. 3.5 mm का जैक मिलता है आपको इसके साथ ताकि आप इसे DSLR में कनेक्ट कर सको. कि क्लिप ऑन माइक का फीचर है. इसकी बॉडी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं बैटरी इंसर्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट बैटरी बार बार बाहर की तरफ को पॉपअप हो रही थी एंड मुझे तभी नहीं समझ में आया. मैं सोच रही थी कि मैं कुछ गलती कर रही हूँ, इसलिए मैंने दोबारा से ट्राई किया. ऑफ कैमरा भी मैंने ट्राई किया, बट बैटरी एज ऑलवेज आप देख सकते हो. मैंने यहाँ पर जूम इन किया है, स्प्रिंग है जो उसका वो थोड़ा सा डैमेज्ड है, इस वजह से बैटरी फिट नहीं हो रही थी और बार बार बाहर की तरफ को पॉपअप हो रही थी. सो एज यू ऑल सॉ पूरा प्रोडक्ट परफेक्ट है, यू नो इसका बॉक्स परफेक्ट है. इनफैक्ट जो मुझे फर्स्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ था उसमें वो Boya के स्टिकर्स नहीं थे, एंड वो जो वो लोग छोटे पैकेट्स डालते फॉर यू नो द प्रोडक्ट, उसका स्मेल अच्छा आता है समथिंग फॉर दैट.
वो भी वो पहले वाले प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं था, बट सेकेंड टाइम पे वो लोग ने पैकेजिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखा, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ. एंड ये बाहर से परफेक्ट है, आई हैव नो प्रॉब्लम, इवन द प्रोडक्ट इज परफेक्ट, बट जहाँ बैटरी डालने का स्लॉट है वो स्लॉट ही डैमेज है. तो ये प्रोडक्ट मेरे किसी काम का नहीं है. अपने ब्लॉग्स में भी मेंशन किया है, मैंने ये लॉकडाउन के टाइम पे ऑर्डर किया था, तो इसलिए ये मुझे ऑलरेडी लेट रिसीव हुआ. एंड उसके बाद में फिर दिस इज द सेकेंड रिप्लेसमेंट अभी, बट अभी मैंने रिप्लेसमेंट के लिए नहीं डाला है, अभी मैंने रिफंड के लिए रिक्वेस्ट किया है, बिकॉज देर इज नो पॉइंट, यू नो, बार बार वही चीज हो रही है. बट आई वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग दैट मैंने जब अमेजोन के कस्टमर सर्विस से बात किया, एवरीबडी वॉज वेरी हेल्पफुल, ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव द वीडियो एज वेल, एंड दे वर लाइक वेरी हेल्पफुल एंड बहुत काइंडली, बहुत पोलाइटली वो लोगों ने बात किया. मैंने भी बहुत पोलाइटली बात किया इंस्पाइट ऑफ दिस टू एक्सपीरियंसेस. आई थॉट कि इसमें अमेजोन का कोई गलती नहीं है. आई अंडरस्टैंड अमेजोन के बहुत सारे यू नो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो ये चीज़ सेल करते हैं, ये डायरेक्टली अमेजोन का कोई बंदा बैठ के नहीं पैकिंग एंड ऑल कर रहा है. सो इट डजेंट मेक सेंस कि मैं उन्हें कुछ बोलूँ, बिकॉज उनकी भी गलती नहीं है एंड अमेजोन इज सच अ बिग कंपनी. बट आई जस्ट विश कि ये गलती नहीं होती तो ना ही मुझे प्रॉब्लम होता. इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के लिए यू नो प्रॉपर रिव्यू वीडियो बना रही होती कि माइक किस तरह से काम करता है, इसका साउंड क्या है एंड ऑल. रिगार्डलेस ऑफ दैट मैं वो वीडियो फ्यूचर में बनाने ही वाली हूँ, सिर्फ इस बात का दुख है कि वो थोड़ा सा डिले हो गया है, बट डजेंट मैटर, बेटर लेट देन नेवर. जैसा कि हर कोई करता है वैसे ही इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले मैंने इसके यूट्यूब पे ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस अवेलेबल होंगे वो सारे देखे टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए लाइक एक्चुअली में वर्थ है या नहीं, एंड एक्चुअली में ये वही है जो जिस चीज़ की मुझे नीड है या नहीं. सो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो सारे देख लिए, एंड इसे यूज़ कैसे किया जाता है एंड इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेगी, इसे असेंबल कैसे करते हैं एंड इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ देखा हुआ था. ऑल्सो जब मैं इसे ऑर्डर करने गई तब मैंने इसे अमेजोन पे इसके रिव्यूज़ भी देखे हुए थे एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द रिव्यूज़ वो लाइक 5-star रेटिंग है एंड 90% ऑफ द रिव्यूज़ वो वेरी नाइस एंड आई फेल्ट लाइक कि ओके आई शुड जस्ट ऑर्डर इट. ऑल्सो अभी तक मैंने जितने भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट स्पेशली माई मोबाइल फ़ोन, मैंने ऑलमोस्ट 3-4 मोबाइल फ़ोन्स मंगाए हैं ऑनलाइन एंड वो सारे मैंने फ्लिपकार्ट वेबसाइट से मंगाए. तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैंने कभी भी अमेजोन साइट से नहीं मंगाया था एंड इस प्रोडक्ट को अमेजोन से मंगाने का सोल रीज़न वॉज कि मैंने जितने भी वीडियोज देखे ऑन यूट्यूब तो सब ने ही अमेजोन से ही इस माइक को परचेज किया था, इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं वहीं से परचेज करूँ. That's why I got it from Amazon. वरना normally मैं सारे अपने electronic products Flipkart से ही मंगाती हूँ strictly. And इस चीज़ के लिए मैं Amazon को बिल्कुल भी blame नहीं कर रही, because ठीक है उन्होंने अपनी तरफ से मुझे एक बार replacement दिया, फिर second time refund भी अभी initiate कर दिया है मैंने and I hopefully कि वो भी आ जाएगा. And मुझे बस इस चीज़ का problem है कि जो manufacturers है, आई होप कि आप लोग चेक करके ही प्रोडक्ट पैक करते हो, बिकॉज बैटरी जहाँ पर डालते हो वो स्लॉट ही ख़राब है, तो इस प्रोडक्ट का क्या ही मतलब है. इसकी डजेंट मैटर कि इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है और इसमें क्या आपने लिख कर दिया है एंड ऑल, डजेंट मेक सेंस, यू नो. आपने इसके साथ बोया के दो स्टिकर्स भी दिए, डजेंट मैटर अगर द एक्चुअल प्रोडक्ट ही काम नहीं कर रहा है तो. मैंने अभी तो इसके लिए रिफंड इनिशिएट कर दिया है, मतलब ये चला जाएगा और मुझे अपना रिफंड मिल जाएगा. 799 का ये प्रोडक्ट था, सो इट इज़ यू नो क्वाइट कॉस्टली, बिकॉज 500 के अंदर भी माइक्स आते थे, बट बोया का जो माइक है इसके रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए मुझे इसका यूज़ करके देखना था कि ये एक्चुअली कैसा है. आई एम सो सॉरी दैट मैं आप लोगों के लिए यू नो बोया माइक का रिव्यू नहीं ला पाई इस वीक. आई रियली वॉन्टेड कि मैं बोया माइक का रिव्यू लाऊँ, बट डजेंट मैटर, मैंने आपके लिए दो मैन्युफैक्चरर्स का रिव्यू ला दिया है. सो आई होप आप लोग जब भी ऑर्डर करो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, देन बी केयरफुल. सी वी कैन ऑलवेज गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट, लाइक हम दे सकते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है गलती हो गई होगी, पर गलती एक बार होती है गाइस, गलती ऐसे 2-3 बार नहीं होती है. एंड अननेसेसरी, यू नो, इट इज़ जस्ट अ
वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज अभी कितना टाइम जाएगा इसे रिटर्न करने में, फिर से मैं दूसरा ऑर्डर करूँगी। इसका रिटर्न पॉलिसी तो अमेजोन का बेस्ट है, तो ये कल ही मतलब अभी मैंने जब मैं अनबॉक्स कर रही थी तभी मैंने जब मैंने देखा कि प्रोडक्ट डैमेज है मैंने रिफंड इनिशिएट कर दिया। एक्चुअली मुझे रिप्लेसमेंट इनिशिएट करना था बट आई डोंट नो हाउ वो रिफंड रिप्लेस हो गया। मुझे एक मैसेज आ गया कि इसका जो ये पिकअप है वो कल ही हो जाएगा। सो वो एक अच्छी बात है कि इसका जो यू नो रिटर्न पॉलिसी होता है वो सब बहुत ही फास्ट सर्विस होती है अमेजोन की, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इट इज़ अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम क्योंकि मुझे फिर से ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा एंड फिर से ये आएगा एंड पता नहीं अगली बार कैसा आएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिले बिकॉज ऑल्सो आई वॉन्ट टू यूज इट। ऑल्सो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू ब्लॉग्स, फैशन, मेकअप, हॉल्स, रिव्यूज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, देर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर ऑन माई चैनल। सो दैट वॉज इट गाइज फॉर टूडेज वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि मेरे पास माइक होगा एंड मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दे सकूंगी। एंड अगला वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड इसका पार्ट टू मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। अगर मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो कैसा हुआ आप लोग मुझे कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस बताओ एंड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट।